नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सीएम नीतीश कुमार ने रघुनाथपुर में महिलाओं के विकास में जीविका समूह को लेकर दिया बड़ा बयान। रघुनाथपुर से प्रकाश चंद द्विवेदी के साथ प्रसेनजीत चौरसिया की रिपोर्ट। आगे बढ़ाने के लिए और कितना हम लोगों ने काम किया, लड़कियों के पढ़ाने के लिए जीविका समूह बना करके महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये जो काम किया, मौका मिला था उन लोगों को। देश में स्वयं सहायता समूह बन रहा था, बिहार में बहुत कम, नाम के बराबर न के बराबर। केंद्र के द्वारा जो दिशा निर्देश रहता था कुछ नहीं कर सके, और जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने स्वयं सहायता समूह को और बेहतर ढंग से उसका नामकरण किया जीविका समूह, और विश्व बैंक से कर्ज लेकर के, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने यहां जीविका समूह की शुरुआत कराई। 10 लाख समूह का लक्ष्य पूरा हो गया। 1,20,00,000 से भी ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। कितनी जानकारी उनको आई है, कितनी जागृति उनको आई है, और कितना काम। हम तो कई जगह जो जीविका समूह की महिलाएं उनके साथ हमने बात किया, मुझे इतनी खुशी होती है कि पढ़ी लिखी भले ना हो लेकिन नई बातों को और काम को कितना अच्छा ढंग से समझती है। तो ये सब काम किए। कौन सा काम पहले ही लोग करते थे, न स्कूल में पढ़ाई का काम, न अस्पताल में इलाज का काम, क्या हाल था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1 महीना में 39 लोग जाते थे, यानी एक दिन में एक आदमी, किस दिन 2 आदमी, यही हाल था सरकारी अस्पताल का। और जब हम लोगों को मौका मिला 2006 से ही हम लोगों ने दवा और चिकित्सक का प्रबंध किया, लोग अपना इलाज कराने लगे। और आज आपको मालूम है पिछले वर्ष का जो आंकड़ा है, इस बार तो मार्च से ही कोरोना चल रहा है, लेकिन जो आंकड़ा है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब औसतन इस बिहार में 1 महीने में 10,000 लोग इलाज के लिए जाते हैं। तो कौन सा क्षेत्र, कहां पहले स्कूल दिखता था, कितने शिक्षकों की बहाली की, 3.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली, एक एक काम हम लोगों ने किया। अब स्कूल के बाहर कोई रह नहीं पा रहा, तो हर तरह से उपाय करके, काम करके, और जो स्कूल के बाहर रह जाते थे उनका आकलन किया, जो प्राथमिक विद्यालय में भी नहीं जा पाते थे उन लोगों की समीक्षा की, पता चला या तो ये महादलित है या अल्पसंख्यक समुदाय के, उसके लिए टोला सेवक, तालमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को लगाया, जो 60 साल तक उनको काम करने का मौका दिया है और सबको स्कूल तक पहुंचाया। तो कौन सा काम, अब बोलिए, रोड का काम, गांव गांव तक रोड पहुंचाने का काम, बड़ी बड़ी योजनाएं, कितने सड़कों का निर्माण, ये सब काम किया गया, पुल पुलिया का निर्माण। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। पहला 5 साल काम किया, उसको भी आगे बढ़ा के अगला 5 साल, उसके बाद भी इस बार काम कर रहे हैं। और इस बार के काम के लिए तो और हमने 7 निश्चय का ऐलान किया। और आपको मालूम है कितने जगह संस्थानों की कमी थी, हमने हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पारा मेडिकल संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में NM संस्थान, हर सब डिवीजन में ITI, पूरे बिहार के लिए काम शुरू कर दिया, पढ़ाई शुरू, और अब कई जगह उसके भवन का भी निर्माण हो गया। सब काम, लोगों को मजबूरी में बाहर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, ये सब काम एक एक किया। हमारे गरीब परिवार के लड़के लड़कियों को आगे पढ़ने की स्थिति नहीं रहती थी, उसके लिए हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 4 लाख रुपए की मदद इंटर के आगे पढ़ने के लिए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ लिया। और जो आगे नहीं पढ़ेंगे, काम की तलाश में घर के बाहर जाते हैं, ऐसे लोगों को 2 साल तक 1,000 रुपये महीने का काम, स्वयं सहायता भत्ता योजना, और बाकी लोगों को जब कोई काम करेगा
तो पर कंप्यूटर पर काम करना सीखेगा तो आएगा। इसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम